हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग निषाद गार्डन से निकल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है मैंने कहा था, वो आज आपको पता चलेगा। तो जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं आज अपने सेकेंड डेस्टिनेशन पर, जो कि है डल लेक। डल लेक पे नहीं मतलब गए तो क्या गए, कहते हैं ना कश्मीर आओ और शिकारा में ना बैठो तो फिर तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा फील होता है। सो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग डल लेक के किनारे किनारे चल रहे हैं और सामने आपको छोटे छोटे शिकारा दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं मगर ये छोटे छोटे हैं नहीं, ये हैं अच्छे खासे मतलब बैठने के लिए और बहुत ही सुंदर से। सो चलिए चलते हैं। और सो अभी हम लोग आ गए हैं डल लेक और जा रहे हैं बैठने शिकारा पे। پران چون قرآن گۄڈنیُک دہس یہ گٲڑۍ پہن تھوڑے توے तो ये देखिए हम लोग बैठ चुके हैं अपने शिकारा में। हमारे शिकारा का नाम है 727, आपने ऊपर पढ़ लिया होगा शिकारा के ऊपर लिखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और ऊपर देखिए, सारे शिकारा के ऊपर नाम लिखा होता है, हाउस बोट पे नाम लिखा होता है। इस बार हम लोग हाउस बोट में नहीं रुक रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग ने वन नाइट स्टे किया था हाउस बोट में, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बट इस बार कुछ और प्लान है हमारा। तो देखते हम लोग बैठ गए हैं शिकारा में। पीयू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शिकारा ना अभी शाम हो गई है तो धूप भी नहीं है, लेकिन फोटोज वगैरह अच्छे आ गए हैं। शिकारे का मजा लीजिए। सो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स का रिव्यू, जो कि बहुत अच्छा ऑयल है। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे, पिंपल्स के दाग है या फिर स्कार्स हो गए हैं या फिर पिगमेंटेशन है, और अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं या फिर आपके किसी भी तरह के फेस बॉडी में दाग धब्बे हैं, तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसको यूज़ करने के बाद आप बहुत मेरे को थैंक्स आके बोलने वाले हैं। मैं सच बता रही हूँ कि आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इनकेस आपके बॉडी में कहीं पर भी मार्क्स है या फिर आपके फेस पे कोई भी तरह के मार्क्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने का तरीका देखिए मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए, और दिन में दो बार अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसका बेहतर रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो इस तरह से इसको आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसकी क्वांटिटी भी मेंशन है, 100 ml की ये बॉटल आती है और 100% नेचुरल है, सेफ़ है एंड इफ़ेक्टिव है। तो अगर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मोरिंगा है। सो बिना किसी सेकंड थॉट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पैकेजिंग आपने देख लिया है, वाइट कलर के कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में अंदर बॉटल आती है जो कि वाइट कलर की है, और इसका प्राइस जो है वो 1379 rupees है। बट ट्रस्ट मी गाइज, एक बार यूज़ करने के बाद आप इसको दोबारा खुद जाके परचेस करेंगे, ये मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चेकआउट करिए इनकेस आप लेना चाहते हैं तो। और बहुत ही अच्छा ऑयल है, मैं फिर से आपको यही बोलूँगी। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, ये ऑयल जो है वो डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो किसी भी बात की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो
दोस्तों, अभी आपने देखा यहाँ पे शॉपिंग बोर्ड्स भी चलती रहती हैं, रेस्टोरेंट बोर्ड्स भी चलती रहती हैं, इन केस आपको कुछ खाना है, लेना है, शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह से शिकारा चलते रहते हैं। आप यहाँ पे बैठ करके खूब इंजॉय कर सकते हैं। आप अगर दिन में आते हैं तो भी आप बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, आप शाम को आते हैं तो भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे, तो हम लोग आई थिंक आफ्टरनून में आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे हम लोग के फ़ोटोज़ दिन में भी आए थे। तो इस बार हम लोगों ने प्लान किया इवनिंग में शिकारा में बैठने में, और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं, सो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कश्मीर आते हैं तो शिकारा में ज़रूर बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। बेहद खूबसूरत फ्लोट हो रहा है। मैं बैठ सकती हूँ? देखो देखो, मतलब मैं बैठ के देख सकती हूँ, लेकिन फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मुंह आपका होता है। ये लोग पीछे बैठे हुए हैं इधर, बीबू और बीबू के डैडी। लीजिए फोन था ये। हाँ, इतनी सुंदर हवा चल रही है यार। हाँ। कुछ नहीं होगा। हाँ क्या चीयरफुल चीयरफुल, ये चीयरफुल वाले में बुमरो का वो शूटिंग हुआ है। क्या नाम है? कम शूज का जरूरत नहीं, सब शूज रहे दो। हाँ। बैग ले लीजिए। ये भी अंगूठी मेरी। उधर नहीं जाओ, कहीं विंडो होगी, इधर चुपचाप बैठ जाओ। ये अंगूठी में निकलता है, ये निकलता है, पर ये पश्मीना नहीं है, फाइन वूल है। ये फाइन वूल है, मतलब आजकल इसको ऐसा पश्मीना ऐसा पश्मीना। आइए, ये एक तो हम लोग अंदर गए थे शॉप पे, बट मुझे वहाँ पे जो मुझे चाहिए था, एक शॉल मेरा मन था लेने का, वो मुझे नहीं मिला। आगे देखते हैं, अगर कहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको लूँगी, एक मेरे मन में बसा हुआ है कुछ लेने के लिए। सो देखते हैं मिलता है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे के नज़ारे देखते हैं। तो लग रहे हैं ना कितने सुंदर, एकदम हाउस बोट जगमगाते हुए खूबसूरत से। तो हम लोग तो यहाँ पे एक बार रुक चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा था। पूरा मतलब बेडरूम होता है, वॉशरूम होता है और
और आपका डे रूम होता है, लाइक जो क्या बोलते हैं आपका ड्राइंग रूम होता है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो हाउस बोट्स है ना, ये शॉपिंग के लिए हैं। यहाँ पे मीना बाज़ार है, अभी हम लोग भी चलेंगे, आपको दिखाते हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए कि क्या क्या वैरायटी है। तो इस बार हमने यहाँ से कोई शॉपिंग तो नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम मैं यहाँ से बहुत सारे स्टॉल और शॉल्स लेके गई थी, बट इस बार मुझे, हम लोग तो मुंबई में हैं, वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सो मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग किया नहीं है। इधर ही तो गए थे, तो गाइज अभी 8:15 बज रहे हैं और अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। हमारी जो कार है वो ड्राइवर भैया भी आ जाएंगे, दिखाती हूँ मैं आपको पीछे का व्यू। एकदम अंधेरा हो गया और बहुत सुंदर व्यू था, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और अपनी कार में बैठ गए हैं। शिकारा का जो मज़ा था हम सब ने ले लिया है, बहुत अच्छा लगा। बोटिंग में रात में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, इस टाइम तक मुझे हल्की सी ठंडी हवा लग रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो अगर आप लोग भी कश्मीर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ एक स्टॉल और एक शॉल तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कभी भी बारिश हो जाती है तो मौसम चेंज होता रहता है। इस समय जब हम गए हैं तो इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं थी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग हाफ टी शर्ट पहन के भी घूम रहे हैं। ये मैं आपको डल लेक के अपोजिट साइड वाला व्यू दिखा रही थी, अभी आप ये डल लेक देख रहे हैं। लाइन से हाउस बोट कितने जगमगा रहे हैं, ये अंदर से इतने ही सुंदर हैं जितने कि ये बाहर से दिख रहे हैं। सो गाइस डल लेक का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, यहाँ हमारा डे 1 पार्ट 2 वीडियो ख़त्म होता है। कल से स्टार्ट होगा डे 2, हम लोग कहाँ गए क्या क्या किए वो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताते रहिए, आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ कल एक और अच्छे से वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।